नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आप लोगों का नवी वीडियो में। और पीछे यार हॉस्टल था, मैं जब वापस आऊँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी, या किसी वीडियो में मैंने दिखाया होगा तो वो वीडियो आदि मैं अटैच कर दूँगी। और ये सरांडा की सड़क है, यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर दूर ही सिटी सेंटर आ जाता है। और हम जा रहे हैं शामिल की तरफ, अभी लेट हो रहे हैं तो तेज़ तेज़ चल रहे हैं। एंड बड़े दिनों बाद यार मैं बाहर से एडवेंचर कर रही हूँ, घूमने जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या बनता है आज सीन सारा। तो यार फाइनली 1.5 किलोमीटर चल के हम पहुँच गए हैं। ये एक चौराहा है कि 3 राह है, जो भी है, ये एक बस अभी जा रही है दूसरी तरफ की, आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। तो ये जनाब यहाँ पे ये बस स्टैंड है एंड ये लोग यहाँ पे खड़े होकर गप्पे मार रहे हैं। तो अभी हम यार शामिल की वेट बस का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो बोर्ड भी लगा होगा, तो गूगल मैप पे डाल लेना यार, या तो शामिल बस स्टैंड आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाना। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ, रोड कुछ ऐसी दिखेगी आप लोगों को। तो और इस तरफ बोर्ड दिख जाएगा, सामने एक कॉफ़ी वाली जगह भी है, बार भी है। तो ये सिटी सेंटर के आसपास ही है बस स्टैंड, और यही सिटी सेंटर है एक्चुअली। तो यहाँ पे भाई हर आधे घंटे में बोला जाता है कि बस आ जाती है, तो ये टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट आई थिंक आने वाली है। तो यार ये बस आ गई है, ये जाएगी शामिल और चल रहे हैं जनाब। लोग बहुत हैं, खड़े होके जाना पड़ेगा, बट एनीवेज कुछ नहीं कर सकते। भाई वो कह रहे हैं जनाब की कैमरा बंद कर दो, तो मैं कैमरा बंद कर रही हूँ। ये शामिल की सड़कें हैं एंड अभी हम बीच की तरफ चल रहे हैं पैदल। पूरे इस रोड पे आपको दिखेंगे ये खाना वगैरह की जगह, बार वगैरह, ये सब। तो सीन ये है फिलहाल। तो यार ये बीच है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा भरा पड़ा है। यहाँ पे मोस्टली प्राइवेट बीच ही हैं। और इस जगह यार बीच पे ये लोग मिल जाएंगे आपको, यहाँ से आप भाई ये किराए पे ले सकते हैं, 1 घंटे के 2 घंटे के हिसाब से है। तो 1 घंटे का 1000 रुपये, तो टू द आई विल डाई, वेयर आई गो, वन साइड दैट वन, यस आई कैन वॉक ऑन दिस, यस डोंट वरी आई एम पोजिंग इट फॉर यू। भाई मैं पहली बार कुछ ऐसा करने जा रही हूँ, मुझे नहीं आता करना, बट यार ये यहाँ पे नज़ारे थे, ये इन्होंने किराए पे लिया है, ठीक है। और ये हमारा पैडल है एंड आई होप यार इस वीडियो में स्टेबिलिटी ठीक है। वो रशिया में किसी ने मेरे बस कैमरा की वो सेटिंग चेंज कर दी थी, तो रशिया की वीडियो ऐसे बनी जैसे मैंने फ़ोन पे बिठाई है, बट आई होप अल्बेनिया की सही बन रही होंगी। यार पैडल करना शुरू भी कर दिया हमने। भाई आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं है, ये आपको दिख रहा है। तो जो ग्रीस का आइलैंड है वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, वो भी पास में ही है, कोरफू आइलैंड। तो इनके खुद के आइलैंड तो बहुत ही पास है, उस तरफ से तो आप तैर के भी जा सकते हो अगर आपको तैरना आता है। ए खाओ,
this way? Yeah, yeah. Okay. Hey! Okay. Sorry. यार ये इसको डायरेक्शन बताएगा ये वाले हाथ में सलाम सलाम हेलो गाइस तो ये जनाब इनका नाम है मोहम्मद एंड ये है इजिप्ट से एंड बाकी द मोर इंट्रोडक्शन वी विल डू इट लेटर ऑन द आइलैंड तो और यहाँ पे यार मैं फ़ोन रख रही हूँ आज हम भाई डे टूर पे निकल रहे हैं मस्त अपना एकदम तो यार ये मोहम्मद है हम आइलैंड पे पहुंच गए हैं एक मिनट ये एक है और एक ये दूसरा है वहाँ पे लेकिन अरे पत्थर आ गया रास्ते में शायद मुझे लगता है पानी आप देख लीजिए जनाब कितना साफ है यहाँ पे लेकिन इस तरफ रश कम था तो मैंने मोहम्मद को बोला कि भाई मेरे को इस तरफ उतार दे वो पत्थर से लड़ रहा है फिलहाल वहाँ से निकले और मैं सोच रही हूँ थोड़ा पत्थरों पे चढ़ के दूसरी तरफ जाऊँ तो देखते हैं क्या सीन बनेगा फाइनली ये पत्थर था वो उसने क्रॉस करके वो जा रहा है तो यार ये जगह है ये आइलैंड्स के नाम मेरे को नहीं पता लेकिन जगह ये है मैं यार यहाँ पे पत्थर पे चढ़ के आई हूँ फिलहाल ये थोड़े मोड़े पत्थर थे और अभी सोच रही हूँ कि यहीं से ही चली जाऊँ पानी के अंदर तो यार आइलैंड वैसे है तो बड़ा खूबसूरत है साफ है बिल्कुल तो यार चलते हैं थोड़ा तैरने के लिए एंड कुछ लोग ये लोग भी यहाँ पे पैडल करते हैं वाह गजब सही है तो इधर से पानी ऐसे दिख रहा है तो चलिए यार थोड़ी बहुत तैरने के लिए चलते हैं एंड फिर देखते हैं बाकी सीन क्या बनेंगे तो यार भाई धीरे धीरे मैं पानी की तरफ जा रही हूँ एंड ये जनाब भी अपनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं पत्थरों पे और ये जो पहला मोमेंट होता है जब मुझे पता नहीं चलता है कि भाई पानी कितना गहरा है ये पत्थर फिसल रहे हैं यहाँ पे तो वो मोमेंट बहुत मुश्किल का होता है यार इधर पत्थर फिसल रहे हैं जनाब ये वाले एक मिनट पहले यार मैं जगह ढूंढूँ यहाँ पे पत्थर ना फिसल गया तो यार ये जगह फाइनली मिली हमें जो इतनी है मेरे कद के हिसाब से और यहाँ पे थोड़ा सा एक फिसलन वाला पत्थर क्रॉस करके आना पड़ा और पानी यार बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है तो स्वागत है भाई आपका आइलैंड की लाइफ में और ये अल्बेनिया है यार ऐसा दिखता है हर बीच पे यहाँ पे लोग हैं बीच इस तरफ से आइलैंड इस तरफ से ऐसा दिख रहा है एंड आइलैंड का नाम बाद में मैप पे पढ़ना पड़ेगा लेकिन अगर आप जैसे शामिल टाउन में आओगे ना तो आप लोगों को दिख जाएगा कि ये आइलैंड है एंड फिर वहाँ से बीच पे ही पैडल मिल जाएगा वो लेके आप लोग पैडल कर सकते हो पैडल में यार डूबोगे तो नहीं मेरे को तो स्विमिंग नहीं आती थी सही था पीसफुल था ये बंदा भाई वो जो सोफा सा होता है तो यार ये जनाब भाई ऐसे अपना तैर रहे हैं मज़े में और कुछ लोग हंस भी रहेंगे मैं ज़्यादा गहराई में नहीं गई लेकिन मुझे तैरना नहीं आता दिक्कत सारी ये है पता नहीं आगे जाकर कितना गहरा है अगर मैं डूबगी तो कोई बचाने वाला भी नहीं होएगा मेरे को यहाँ पे वो यहाँ पे लोगों को देख के पता चल जाएगा कि मेरे को तैरना नहीं आता है और मैं मोहम्मद का वेट कर रही हूँ मोहम्मद की मुझे वो ही नहीं दिख रही क्या बोलते हैं इसको पैडल वाली है जो गाड़ी है जो भी है यहाँ पे मौसम सुहाना है यार पानी अच्छा है साफ है तो यार हम लोग भाई सरांडा वापस आ गए हैं ये सरांडा की सड़कें हैं आप लोगों के सामने और अभी भी मुझे आदत नहीं हुई है यार ये सरांडा की सड़कें अब मोहम्मद का शिफ्ट स्टार्ट होगा वॉलंटियरिंग कर रहा है वो और मेरे को जाके एडिटिंग करना है और अभी गोप्रो देखना है गोप्रो चलता है कि नहीं यार बिल्कुल चलना बंद हो गया अपने आप ही तो वापस से स्वागत है आप लोगों का सरांडा में उम्मीद है यार आज आपको आधी गोप्रो की आधी फ़ोन की वीडियो पसंद आई हो
अच्छा दिन था, थोड़ा शांति भरा। आइलैंड तक गए, पैडलिंग करी एंड फिर तैरे भी, तो सही था जो भी था। बट एनीवेज, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। और अभी मैं रोड पे चल रही हूँ और मुझे हर टाइम लगता है कि मेरे हाथ से कैमरा गिर जाएगा। एंड थैंक्स मोहम्मद फॉर जॉइनिंग टुडे फॉर द ट्रिप। या और बस वही सारे सीन है। एंड अगली वीडियो में मिलते हैं जनाब, अगर कुछ अपडेट हुई तो मैं बताती हूँ।